नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। कि टू पार्टिकल है जो दोनों आपस में आ रहे हैं, किसकी रेट, दोनों का जो डिफरेंस है, ये वी वन है और वी टू है, तो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग रेट है 6 मीटर पर सेकेंड का। ओके, दोनों पास पास आते जा रहे हैं। इफ द पार्टिकल ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन देन द सेपरेशन इंक्रीज इन एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इस केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वी वन और वी टू सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो इंक्रीजिंग रेट है क्या दे रखा है, सेपरेशन इंक्रीजिंग जो रेट है वो हमें क्या दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, वी वन, क्योंकि एक को एक पलट के देंगे तो वी वन प्लस वी टू इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6, दोनों का डिक्रीज होने का रेट क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों पास पास आ रहे हैं, तो दोनों इसमें क्या होंगे, एक को अगर पलट के देंगे तो क्या आ जाएगा, वी वन माइनस वी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4, क्या दे रखा 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द 4 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों में से अगर माइनस करेंगे तो दैट इज द कैंसिल आउट, एड करेंगे तो 2v1 = क्या आ गया हमारे पास 10, v1 क्या आ गया हमारे पास 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, एंड v2 अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो v1 क्या आ गया 5 माइनस v2 इक्वल टू क्या आ गया 4, तो v2 क्या आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज द आंसर। ओके,